आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने की और विरोध प्रदर्शन करने की। भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आज भाजपा हेडक्वार्टर का घेराव करना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और अभी मौजूद है आम आदमी पार्टी ऑफिस पे, जहाँ पे आपको भारी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई देंगे जो कि भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं सिटी इलेक्शंस को लेकर के। ये प्रदर्शन है, हम इन लोगों से बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान था कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को चलाने के लिए चुनाव प्रक्रिया हमेशा समय पे होती हुई आई है, ऐसा होना चाहिए था। आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपातकालीन सिचुएशन के अलावा चुनाव टाले गए हों, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयुक्त किसी ना किसी दबाव में, दिल्ली के जो चुनाव आयुक्त हैं वो MCD के चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता। आपको क्यों लग रहा है कि MCD के चुनावों को किसी प्रेशर में टाला जा रहा है? देखिए, इंटरनल सर्वे भाजपा भी करा चुकी है और उसको पता है कि हम बुरी तरीके से हार रहे हैं निगम में। ये अपनी साख बचाने की एक असंवैधानिक तरीके से चुनाव टाले जा रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में दिख रही इस प्रदर्शन में। मैम, अभी आप लोग घेराव करने वाले हैं भाजपा मुख्यालय का, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, MCD चुनाव से बीजेपी भाग रही है, उसे डर है कि वो इस बार MCD में नहीं आएगी। तो और यहाँ पे हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और साथ ही साथ पुलिस भी बड़ी संख्या में है इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ से भाजपा मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और इसलिए बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस भी है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, चुनाव को लेकर के जो तमाम परेशानियां हैं, तमाम तरह के कंफ्यूजन हैं, वो कब तक साफ होते हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ वीरेंद्र शांडिल्य, बीपी न्यूज दिल्ली। ABP न्यूज आपको रखे आगे।